हेलो एवरीवन आज हम स्टार्ट करेंगे सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी इसका पहला चैप्टर है अबाउट इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें वातावरण जिसे कहा जाता है हिंदी में उसका अर्थ है उसका मीनिंग है जो भी हमारे चारों ओर घटित हो रहा है जो चारों ओर हमारे चीज़ें इफेक्ट कर रही है हमें वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है और इसी हम टर्म को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे उसकी एक एक पार्ट को समझेंगे कि इसमें क्या इन्वॉल्व है और क्या नहीं इसमें इन्वॉल्व है तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इन्वायरमेंट आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन वेन स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिस्स स्कूल वॉज टगअप एक रवि नाम का लड़का है वो जब अपने स्कूल को स्टार्ट करता है जाता है तो वो नोटिस करता है कि उनके स्कूल के पास में जो प्ले है जो एक इकलौता प्ले था उनके स्कूल के पास उसे डगअप कर दिया गया खुदाई कर दी गई है उसकी पीपल दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद द मैनी फ्लैट विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर और जब वो लोगों से पूछता है तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाएगी रबी वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स वो उसकी रोने जैसी हालत हो जाती है वेन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड विद द सॉफ्ट ग्रास मेरी गोल्ड इन बटरफ्लाईज इज़ गवर जब उसे ये पता चलता है कि ये जो प्यारा सा प्ले ग्राउंड है बड़ा सा प्ले ग्राउंड है ये इसका ग्रास मैरी गोल्ड के फ्लावर्स बटरफ्लाइज इसका जो प्यारा सा इन्वायरमेंट है वो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा ही शेयर इज फीलिंग विद हिज क्लासमेट और वो ये अपनी फीलिंग्स जो वो Uh, मतलब महसूस कर रहा था अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व प्रिंसिपल भी ऑब्जर्व करते हैं सी हाउ इन्वायरमेंट इज चेंजिंग कि हमारा जो वातावरण है कितना फास्टली चेंज कर रहा है इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर वो अपने टीचर से पूछता है वट इज़ इन्वायरमेंट कि ये जो इन्वायरमेंट के बारे में प्रिंसिपल सर बात कर रहे थे वट इज़ इट ये क्या है बट एवर यू सीन योर सराउंडिंग सेट द टीचर कि एनवायरमेंट वही है जो कुछ तुम अपने आसपास पास देखते हो चारों ओर जितना भी कुछ है वो इन्वायरमेंट ही है रवि मतलब उसने सोचा एकदम से दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग टेबल चेयर इन द क्लासरूम इवन दैट ओपन फील्ड रोड गार्बेज माई फ्रेंड ऑल आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट कैसा है कि ये स्कूल बिल्डिंग फ्रेंड सब कुछ इन्वायरमेंट है तो उसके टीचर जवाब देते हैं यस सेट द टीचर बट वेट वो बोलते हैं रुको सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाई नेचर कुछ ऑब्जेक्ट तो नेचर ने बनाए हैं फॉर एग्जाम्पल माउंटेन रिवर ट्री एनिमल्स ये सब कुछ बाई नेचर है अदर आर मेड बाई पीपल और कुछ हम लोगों ने क्रिएट करे हैं लाइक रोड्स कार्स क्लोथ बुक्स न वर्क इन पेयर्स वो ग्रुप बना देती हैं पेयर बना देती हैं दो दो बच्चों का मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू जो बच्चे आप, आपके साथ बैठे हुए हैं उनके साथ एक लिस्ट प्रिपेयर करो टीचर इंस्ट्रक्शन दे रही है यहाँ पे ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर बाय द ह्यूमन मतलब जो नेचर ने क्रिएट ने की हैं चीजें और जो ह्यूमन ने क्रिएट की हैं वो चीजें तो रवि परमजीत जैसी मुस्तफ़ा आशा वोर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी नया था जाना तो दे वेरी एक्साइटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग अब इकबाल पूछता है अपने टीचर से कि वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग चेंज क्यों हो रहा है इन्वायरमेंट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड टीचर रिप्लाई करती है कि हमारी जरूरतों के हिसाब से हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है हम चेंज कर रहे हैं उसको दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे हमारी नीड्स बढ़ती ही जा रही है पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ती ही जा रही है तो वी आर देयर फोइंग मॉडलिंग हम मोल्ड कर रहे हैं मॉडिफाई कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को एट टाइम इवन डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं नेचुरल सराउंडिंग को द टीचर रिप्लाइड अब यहाँ पर इस ब्लू बॉक्स में इन्वायरमेंट की टर्म को समझाया गया है स्पेसिफिक वर्ड्स में इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्योंकि हम इस पर डिपेंड करते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसलिए बोला है इसके बिना हम जी नहीं सकते क्योंकि इन्वायरमेंट में ही एयर है दैट वी ब्रीथ ठीक है ना फूड भी अवेलेबल होता है हमें इन्वायरमेंट से दैट वी ईट तो दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड सपोर्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम इट प्रोवाइड एयर वी ब्रीथ द वाटर वी ड्रिंक द फूड वी ईट एंड द लैंड वी लीव जहाँ पे हम खाते हैं पीते हैं रहते हैं वो सब कुछ इन्वायरमेंट ही हमें प्रोवाइड करता है हाउ डू ह्यूमन बी बींग्स मॉडिफाई दिस इन नेचुरल इन्वायरमेंट और इसको चेंज कैसे कर रही है मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं द कार फ्यूम पोल्यूट द एयर जो कारों से धुआं निकलता है वो पोल्यूट करता है एयर को वाटर कलेक्टेड इन पोर्ट वाटर को हम कलेक्ट कर सकते हैं फूड इज सर्व इन वेसल्स हम उनको सर्व कर देते हैं लैंड यूज करते हैं बिल्डिंग और फैल फैक्ट्रीज uh, को बिल्ड करने के लिए ह्यूमन बींग मेक कार्स और इंसान कार बना रहे हैं मिल्स बना रहे हैं फैक्ट्रीज बना रहे हैं कंटेनर्स uh, बना रहे हैं दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग मोडिफाई नेचुरल और नेचर से चीज़ें ले लेके कुछ और क्रिएट किया जा रहा है जैसे कि पेड़ काट के फर्नीचर बनाए जा रहे हैं तो दिस इज हाउ इसी तरीके से ह्यूमन बींग मॉडिफाई कर रहा है इन्वायरमेंट को अब यहाँ पे फ्रॉम द वर्क कॉन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड द प्लेस या ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इससे हम समझ गए हैं दैट द प्लेस पीपल थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एंड लिविंग ऑर्गैनिज्म इज इन्वायरमेंट कि जितने भी लोग हैं जंग हैं चीजें हैं हमारे चारों तरफ उसी को क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट बोलते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना ये नेचुरल चीजें और ह्यूमन मेड चीजों से मिल बनता है वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड ए बायोटिक नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक और ए बायोटिक चीजें आती है आप देखिए बायोटिक का मतलब क्या है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग बींग जिसमें जो लोग लिविंग हैं जो सांस ले रहे हैं ग्रो कर रहे हैं वो रहता है जैसे प्लांट हो गए एनिमल और ए बाइटिंग में नॉन लिविंग एलिमेंट आता है जैसे एयर होगी लैंड होगी यहाँ पे इन्वायरमेंट के कॉम्पोनेंट को इस प्यारे से डायग्राम के थ्रू बताया गया देखिए कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट यहाँ पे क्या है थ्री कॉम्पोनेंट है नेचुरल नेचर से रिलेटेड ह्यूमन में जो ह्यूमन ने बनाए हैं और ह्यूमन ही ह्यूमन से रिलेटेड चीजें तो नेचुरल में क्या है जैसे लिविंग थिंग्स है बायोस्फीयर जो पानी लैंड और एयर के तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर जो बायोस्फेर क्रिएट होता है जहाँ पे लिविंग थिंग्स रहती हैं एनिमल्स रहते हैं इंसेक्ट रहते हैं और भी अदर फिनोमिना है जो लिविंग है वो लैंड लिथोस्फेयर जो लैंड सरफेस है एयर एटमोसफियर वाटर हाइड्रोस्फेयर उसको बोलते हैं और ह्यूमन मेड में आती है बिल्डिंग पार्क ब्रिज रोड इंडस्ट्री मोनूमेंट्स और ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या आता है इंडिविजुअल जैसे कि हम हैं जैसे मैं हूँ आप हो उनकी फैमिली उनकी कम्युनिटी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी फैमिलीज की रिलीजन हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इकॉनमी और पॉलिटिकल सिचुएशन कोई भी कंट्री तो ये ह्यूमन में आता है तो ये थे कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट अब है वर्ड ओरिजिन देखेंगे हम इन्वायरमेंट का कहाँ से हुआ है ये वर्ड कहाँ से लिया है इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड इन वाइन का मतलब होता है नेबरहुड हाँ किसी के भी पड़ोस में और पड़ोस मतलब आसपास पास होता है ना पड़ोस, तो को ये बोला गया है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है देखिए लैंड वाटर, एयर प्लांट एंड एनिमल कंप्राइजेस द नेचुरल इन्वायरमेंट नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम लैंड वाटर प्लान्ट एनिमल्स को यू आर फेमलेयर विद द मीनिंग ऑफ लिथोसफियर हाइड्रोसफियर एटमोसफियर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम द प्रीवियस क्लास हमने सिक्स क्लास में भी पढ़ा था लिथोसफियर हाइड्रोसफियर और एटमोसफियर किसको बोलते हैं एटमोसफियर एयर से रिलेटेड होता है और लिथोसफियर लैंड सर्फेस से रिलेटेड होता है हाइड्रोस्फियर वाटर से रिलेटेड होता है और बायोस्फियर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो लेट्स लर्न लेटस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दिस डोमेन लेकिन इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं देखिए लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ जो टॉप लेयर है जिसपे हम रह रहे हैं हमारे घर बने हुए हैं हमारी स्कूल बिल्डिंग बनी हुई है तो उस वो क्या है क्रस्ट का जो पार्ट है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स मिनरल कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सोइल मिट्टी से ढकी होती है ये इट इज़ एन इनरेगुलर सर्फेस बिल्कुल प्लेन नहीं है कहीं पे कैसी है कहीं पे माउंटेन है कहीं पे प्लेटू है कहीं पे प्लेन्स है कहीं पे वैलीज हैं तो लैंड्स और आर फॉर्म ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो द ओशन फ्लोर जो समुद्र है वहां पर भी लैंड सर्फेस है और कंटिनेंट की सॉलिड सर्फेस पे भी है लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट लिथोसफेयर पे ही फॉरेस्ट ग्रास लैंड ग्रेजिंग के लिए एग्रीकल्चर के लैंड और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सर्फेस प्रोवाइड होती है इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ मिनरल्स भी यही मिलते हैं जैसे आयरन हो गया एलमिनियम हो गया अदर मिनरल्स हो गए ठीक है अब बता रखा है The domain of water is referred to the hydrosphere, जो water से related है, तो मैंने उसको hydrosphere बोलते हैं। It comprises इसमें various source of water होते हैं, like uh, water bodies like river, lake, sea, ocean, तो इसको बोलते हैं hydrosphere। ये किसी भी living organism के लिए बहुत ज़्यादा important है। Now it's come to atmosphere. Atmosphere is atmosphere is a thin layer of air, जो हमारे चारों तरफ़ ऐसा envelope काम करती है, जो मैं trap करके रखती है air. दैट्स अराउंड द अर्थ और ग्रेविटी की फोर्स की वजह से ये अर्थ पे ऐसे प्रेशर लगाती है और इसके चारों ओर ही रहती है अर्थ होल्ड द अराउंड अराउंडेड तो इसको होल्ड करती है ट्रैप करके रखती है इट प्रोटेक्टस फ्रॉम द हार्मफुल रेज़ जो हार्मफुल रेज आती है ना यूनिवर्स से सन से उनसे से हमको प्रोटेक्ट करती है जिसको यू वी रेज भी बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज उसमें बहुत सारी गैसेज होते हैं जैसे आपको आपने पढ़ा भी होगा कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन um, और एनी अदर गैस और इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं और वाटर वेपर भी होता है द चेंजेस इन द एटमोसफेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट और इसमें अगर चेंज होता है इससे से हमारे वेदर में और क्लाइमेट में चेंज आता है जैसे मौसम कहते हैं ना आज तो ठंडे का मौसम है गर्मी लग रही है आज तो मतलब ये जो चेंजेस होते हैं एटमोसफियर में होते हैं प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर जो प्लांट और एनिमल साथ में आते हैं वो बायोस्फेयर बनाते हैं जो लिविंग वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं ये एक नैरो जोन है लैंड अर्थ हो और एयर के इंटरेक्शन का ठीक है और यहीं पे लाइफ क्रिएट होती, होती है यहीं पे लाइफ सपोर्ट होती है वट इज इको सिस्टम अब हम इको सिस्टम को पढ़ेंगे देखिए ग्लोसरी में क्या दिया गया इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर जब आपस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे ह्यूमन हो गए एनिमल्स हो गए बर्ड्स हो गए इंट्रैक्ट करते हैं विद ईच अदर विद अ फिजिकल और केमिकल फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट और साथ में अपने इन्वायरमेंट से भी इंट्रैक्ट करते हैं और ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके ऑल दिस लिंक्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल और इसी इंटरेक्शन के दौरान वो अपनी एनर्जी और मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं जैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होता है इंटरेक्शन करते हैं एक जानवर दूसरे को खाता है तो इसी इंटरेक्शन को बोलते हैं इको सिस्टम देखिए आगे क्या बोल रखा है

केरला क्योंकि के याद आ जाती है जहां से वो आई है यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन जो झरना गिर रहा है ना उसकी बात कर रही है हीरा ही है एक जैसलमेर से लड़की है वी गेट नो रेन कि हमारे वहां पे तो रेन ही नहीं होती वी सी ओनली हमें कीकर सैंड जैसे दूर दूर तक हम देखते हैं एज फार एज द आइस कैन सी हमें सिर्फ सैंड और कीकर दिखाई देती है बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स रवि बोलता है कि तुम्हें कैमल्स भी तो दिखते हैं अब हीरा बोलती है सर नॉट जस्ट कैमल कैमल ही नहीं इफ यू विजिट आवर डेजर्ट आप अगर डेजर्ट में आओगे ना यू विल सी स्नैक्स भी दिखेंगे लेजार्ट भी दिखेंगे और इंसेक्ट भी दिखेंगे बहुत सारे रवि वॉन्डर्ड रवि काफी मतलब एक तरह से हरान हो जाता है वाई डू द एनिमल द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एक जगह से दूसरी जगह की अगर हम बात करें जैसे केरला की हमने बात की और डेजर्ट की हमने बात की दिस बोथ यू नो इन्वायरमेंट आर डिफरेंट वेरी डिफरेंट आर दे आर रिलेटेड टू इच अदर क्या स्टिल देर आर सम कनेक्शन बिटवीन दीज टू प्लेसिज ओ येस वेरी मच टीचर बोलते येस yes, होता है कनेक्शन तो है ही ऑल प्लांट्स एनिमल ह्यूमन बींग आर डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंड जो आस पास की इमीडिएट है ना जैसे हमारे अभी इमीडिएटली कुछ है पास में तो उसी पर डिपेंड करता है ये सब कुछ एनिमल और ह्यूमन बींग ऑफन दे आर ऑल्सो इंटर डिपेंडेट टू इच अदर और वो आपस में भी डिपेंड होते हैं this relation between the living organism as well as the relation between the organism and the surrounded from the ecosystem there could be an ecosystem of large rainforest ecosystem with a particular environment तो वो अपने आप में एक स्पेशल काइंड ऑफ थिंग होती है जैसे रेन फॉरेस्ट का अलग इकोसिस्टम है ग्रासलैंड लैंड का अलग इको सिस्टम है जैसे जहाँ पे स्पेशल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होता है स्पेशल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट और पीपल और एनिमल वो इंटरेक्ट करते हैं डेजर्ट हो गया माउंटेन हो गया लेक हो गया रिवर हो गया इन सब का अपना अलग इको होता है डू यू थिंक दैट पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एंड एको सिस्टम यस क्योंकि वहां पर ह्यूमन एनिमल इन्वायरमेंट ग्रास लैंड वो सब कुछ क्या है ग्रासेस वो एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है देन अदर इकोसिस्टम ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है अब हमने लिथोसवेयर पढ़ा हाइड्रोस्वेयर पढ़ा और अदर कॉम्पोनेंट पढ़े अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट ह्यूमन बींग इंट्रैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मोडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड ह्यूमन बींग जो है इन्वायरमेंट को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं अर्ली humans adapt सेल्फ टू द नेचुरल लेकिन जब शुरू में जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो नेचुरल इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल लेते थे अब लोग क्या कर रहे हैं इन्वायरमेंट को अपने लिए बदल रहे हैं ना कि खुद इन्वायरमेंट के लिए बदल रहे हैं दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल their रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचुरल अराउंड दे नेचर अराउंड दैम वो सिंपल लाइफ जीते थे और जितना भी उन्हें नेचर से मिलता था उसी में वो खुश रहते थे विद टाइम नीड ग्रू जैसे टाइम होता गया हमारी नीड्स बढ़ती गई और ज्यादा होती गई ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग ने अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने के नए नए तरीकों को इजाद कर लिया खोज लिया और उन्होंने लर्न किया हाउ टू ग्रो क्रॉप एंड डोमेस्टिकेट द एनिमल एंड लीड टू द सेटल लाइफ कि कैसे एक जगह पर रहा जाता है कैसे क्रॉप को ग्रो किया जाता है डोमेस्टिकेट कैसे किया जाता है एनिमल को कैसे पाला जाता है द व्हील वॉज इन्वेंटेड व्हील इन्वेंट हुआ सर प्लस फूड प्रोड्यूस होना पहले तो हम सिर्फ अपने जीने के लिए फूड ग्रो करते थे फिर हम एक्स्ट्रा फूड प्रोड्यूस करने लगे उसको बेचने लगे बाटर सिस्टम आया बाटर सिस्टम एक ऐसा होता है पे एक्सचेंज होती हैं मनी के यूज के बिना जिसकी जिस की आपको जरूरत है आप वो मुझसे ले लो और मुझे जिस चीज की जरूरत है आप मुझे वो दे दो ठीक है जैसे कि किसी को गेहूं की जरूरत है और किसी को चावल की जरूरत है तो जिसको गेहूं की जरूरत है वो गेहूं ले लेता है और अगर उसके पास चावल है तो वो दे देता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ व्हील इन्वेंट होने के बाद लाइट इन्वेंट होने के बाद लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लगा गुड्स बनने लगी फैक्ट्री सिस्टम आ गया कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आसान हो गया स्पीडी हो गया जैसे टेलीफोन आया इंटरनेट आया हैव यू एवर थाट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटर मेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर कि क्यों तुम्हें मतलब सोचा है कि हमें वाटर क्यों अच्छा लगता है समर में और पीनट्स क्यों अच्छी लगती है विंटर में ये क्यों है ये अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड एनवायरनमेंट क्योंकि नेचर जैसा हमें एनवायरनमेंट और वेदर कंडीशन दे रहा है उसी के हिसाब से हम अपने खान पान में भी चेंज करना चाहिए और इस यही इस बैलेंस जरूरी है अगर हमें हेल्दी लाइफ जीनी है तो अगर तुम सर्दियों में ठंडी आइसक्रीम खाओगे तो तुम्हें ज़ुकाम हो जाएगा तुम्हें कफ हो जाएगी तो ये एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस करना बहुत जरूरी है ह्यूमन मस्ट लर्न टू लीव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे अगर तुम ऐसा नहीं करोगे एनवायरनमेंट के अंगेस्ट जाओगे देन यू विल हर्ट योरसेल्फ। अपने आप को ही हर्ट करोगे तो दैट इज़ वाई अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बींग एंड इट्स एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है थैंक यू हैव अ नाइस डे